नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, मतलब कि उनका गाना ट्रेंडिंग में जाना लाजमी है। सुपरस्टार तो ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े गाने देते हैं, एक बड़ा नाम है सुपरस्टार, इसलिए कहा जाता है। और ग्लोबल स्टार भी उनको कहा जाता है। ग्लोबल स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड और पूरे भारत में टॉप 10 में अपना टॉप आर्टिस्ट के रूप में पोजीशन बनाए रखते हैं। तो ये तीन नाम की वजह जो है खेसारी लाल यादव हैं, जो इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं। और खेसारी लाल यादव नाम कहीं जुट जाए तो फिर वहां पर भूकंप आ जाता है, वहां पर तबाही मच जाता है और वहां पर चर्चा खेसारी लाल यादव की होती है। इसी कड़ी में आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव और सपना चौधरी एक साथ नजर आई हैं। बताइए, खेसारी लाल यादव इतने बड़े सुपरस्टार, ऊपर से सपना चौधरी आ जाएं तो फिर भाई गर्दा गर्दा तो होना लाजमी है, क्योंकि इनका एक गाना मटक मटक रिलीज हुआ था जो कि 9 मिलियन और ट्रेंडिंग में 2-3 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, डिलीट कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से ये गाना जब रिलीज हुआ तो 5 मिलियन व्यूज जो हैं वो इस गाने पर महज जो है, आपको अगर मैं कहूं तो लगभग 30 घंटे के अंदर मिल चुके हैं, और 4,13,000 से ज्यादा लाइक है, तो 60,000 के तकरीबन में इस गाने पर कमेंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन इस गाने के सिंगर जो बिश्वजीत चौधरी हैं, उनका एक बड़ा बयान आ गया है। और बड़ा बयान ये है कि डिलीट के बाद जब दूसरे बार ये गाना मटक मटक रिलीज किया गया है तो खेसारी लाल यादव यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री से 70% लोग जो है वो इस गाने को प्यार दे रहे हैं। मतलब कि जो एनालिटिक देख पाता है, जिसके पास ये पूरा का पूरा चैनल का मतलब उनके पास ऑथेंटिकेशन होता है, तो वो इसके थ्रू देख सकते हैं कि कौन से राज्य से इस गाने को ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो 70% कॉन्ट्रीब्यूशन इस गाने के व्यूज में भोजपुरी इंडस्ट्री से है, और भोजपुरी इंडस्ट्री से है तो ऑब्वियसली वो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की वजह से है, और महज 30% हरियाणा की ओर से है। तो एक बहुत बड़ा कारनामा खेसारी लाल यादव ने कर दिया है और साबित कर दिया है कि खेसारी लाल यादव का नाम कहीं जुड़ जाए तो समझिए कि वहां पर तांडव मचना लाजमी है। तो एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए। तो ऐसा लगा अपडेट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।